जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर जो आप सेक्शन 44AD में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जो कि ITR 4 के अंदर आप फाइल कर रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बहुत ज्यादा टेंशन जो है वो नहीं होता है, और आप प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर देते हैं 6% या 8% अज्यूम करते हुए जो भी आपका केस रहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस ITR को भरने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में जो बिजनेस कोड्स आते हैं, अगर आप उस बिजनेस कोड के अंदर गलत सिलेक्शन कर लेते हैं तो आपका ITR डिफेक्टिव हो जाएगा। यानी कि कुछ ऐसे कोड्स हैं जो इनकम टैक्स यूटिलिटीज के अंदर बताए गए हैं जो आप सेक्शन 44AD में नहीं भर सकते। इन शॉर्ट, आप इन बिजनेसेस के लिए, इन प्रोफेशंस के लिए ITR 444AD में नहीं जा पाएंगे। तो कौन कौन से हैं फटाफट से समझ लीजिएगा ताकि आपकी ITR में कोई भी गलती ना हो। सबसे पहला है जनरल कमीशन एजेंट, आइटम कोड है 005905। यानी कि जनरल कमीशन एजेंट, अगर आप कोई कमीशन इनकम दिखाते हैं तो कमीशन इनकम के लिए आपको ITR 44AD के अंदर ITR 4 जो है नहीं भरना, आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स PL वगैरह बना करके भरना। दूसरा है, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के किसी पर्सन का ITR भर रहे हैं तो भी आप 44AD में नहीं जा सकते। तीसरा है अदर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी, अगर आप किसी प्रकार की सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी यानी कि कोड 14002 के अंदर जा रहे हैं, आप 44AD ऑप्ट नहीं कर सकते, इनके लिए इन एलिजिबल है ITR 4। इसके बाद है डाटा प्रोसेसिंग, अगर आप डेटा प्रोसेसिंग की रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो आप यहाँ पर 44AD ना ले। बल्कि बेसिकली क्या है, ITR 4 जब आप भरें तो वहां पर नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर इन कोड्स को बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना है। ये ऊपर जो आ रहे हैं ना, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हैं। उसके बाद है डेटाबेस एक्टिविटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट। इसके बाद अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, यानी कि IT से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं उसके रिस्पेक्ट में ITR 4 नहीं जाएगी 44AD1। इसके बाद है BPO सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की सर्विसेज, और उसकी ITR अगर भरी जा रही है वो भी आप नहीं जा सकते 44AD1। इसके बाद है मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ ऑफिस अकाउंटिंग एंड कंप्यूटिंग मशीनरी। यानी कि आप अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के काम में हैं, कौन से मशीनरी के रिपेयर मेंटेनेंस, ऑफिस के, अकाउंटिंग के, कंप्यूटिंग के मशीनरीज के अंदर जो भी मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स होता है उन मशीनरीज का, उसकी अगर आप ITR भरते हैं तो आप नहीं जा पाएंगे ITR 4 को लेकर के 44AD। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ही लीगल प्रोफेशंस। जी हाँ फ्रेंड्स, एडवोकेट्स, लॉयर्स, वो अपनी ITR 44AD में नहीं कर सकते। अकाउंटेंट्स, बुक कीपर्स एंड ऑडिटर्स, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो 44AD में नहीं जा सकते। उनके लिए तो सेपरेट ही बना हुआ है प्रोफेशनल्स के लिए 44AD के लिए, तो 44AD में गलती से इनको ना ले जाएं। टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विसेज दे रहे हैं और उसकी ITR आप फाइल करते हैं तो 44AD नहीं। आर्किटेक्चर, कोई आर्किटेक्ट है जिसकी आप ITR भर रहे हैं तो 44AD में नहीं जाएगा। इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी, कोई इंजीनियर है, टेक्निकल है जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है तो आपको ध्यान रखना है 44AD में। इंटीरियर डेकोरेटर्स हो गए, फैशन डिजाइनर्स हो गए, इन सारे कोर्स के लिए आप यहाँ पर साथ में कोर्स भी देख रहे हैं 16001, 16002, 16003, 4, 5, 7, 8, ये सारे कोर्स जो है वो इन एलिजिबल है। इसके बाद जो अगला कोड आता है वो आता है फोटोग्राफी का। अगर आप फोटोग्राफी की सर्विसेज करते हैं और उसकी ITR भरना चाहते हैं, आपके पास ITR 4 नहीं है। बिजनेस एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एक्टिविटीज, अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, आपका TDS वगैरह कट रहा है 94H वगैरह में जो कंसल्टेंसी का होता है, आप ITR 444AD वाला नहीं कर सकते। सेक्रेटेरियल एक्टिविटीज, अगर आप सेक्रेटेरियल एक्टिविटीज करते हैं, CS वगैरह का जो ROC वगैरह होता है उसमें भी नहीं। मेडिकल प्रोफेशन, आपका कोई क्लाइंट डॉक्टर वगैरह है तो आप 44AD नहीं ले सकते। फिल्म आर्टिस्ट है आपका क्लाइंट, 44AD नहीं ले सकते। जनरल हॉस्पिटल है, 44AD नहीं ले सकते। नर्सिंग होम्स, स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी होटल्स, हॉस्पिटल्स को भी आप नहीं ले जा सकते 44AD। डायग्नोस्टिक सेंटर्स की ITR भर रहे हैं, ITR 4 आपको
अलाउ नहीं किया जाएगा। पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज जहां पर टेस्टिंग वगैरह होती है उसका भी नहीं जाएगा। मेडिकल क्लिनिक्स, अगर आपके क्लिनिक्स के हैं, जो क्लिनिक में काम, मतलब आपका जो क्लाइंट है वो मेडिकल क्लिनिक्स का है नेचर, उसका नहीं जाएगा। डेंटिस्ट है कोई आपका क्लाइंट, डेंटल प्रैक्टिस कर रहा है, 44AD में नहीं जाएगा। आयुर्वेद का प्रैक्टिस है, नहीं जाएगा। यूनानी प्रैक्टिस है, नहीं जाएगा। बहुत स्पेसिफिक लिस्ट जो है यहाँ पर आपको दे दी गई है, तो आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं और अपने ऑफिस में चिपका सकते हैं, या फिर आप वीडियोस को रेफर कर सकते हैं इस लिस्ट को दोबारा सुनने के लिए। होम्योपैथी की प्रैक्टिस है तो आपके लिए ITR-4 नहीं। सर इनके लिए ITR-4 44AD नहीं है तो क्या जाएगा? इनके लिए जाएगा ITR-3 नॉर्मल वाला। और अगर आप 44ADA में हैं तो 44ADA के अंदर 51% यानी 50% से ऊपर प्रॉफिट दिखला करके आप ITR-4 भर सकते हैं। 44AD जो है वो नहीं जाएगा। नर्सेज हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं, पैरामेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो डॉक्टर्स और मेडिसिन लाइन से रिलेटेड है, किसी का भी ITR-4 आप 44AD में नहीं कर सकते। वेटनरी हॉस्पिटल्स एंड प्रैक्टिस है, मेडिकल एजुकेशन है, मेडिकल रिसर्च है, प्रैक्टिस ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, या मेडिकल लाइन पूरा ही कवर कर दिया गया। अदर हेल्थ केयर सर्विसेज, इंडिविजुअल आर्टिस्ट्स, लिटररी एक्टिविटीज एंड अदर कल्चरल एक्टिविटीज। तो ये जो आपको कोड दिए गए इनके लिए ITR जो है वो आपको नॉर्मल या 44AD में नहीं जा करके ADA वाला ऑप्शन जो है वो लेना। और इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपका बैंक अकाउंट, और इस बैंक अकाउंट की एंट्रीज करने में लगभग 1 से 2 महीने के समय जो है वो व्यतीत होती है, या फिर आप मान के चलिए 1 से 2 दिन तो लगते ही लगते हैं। अगर आपको ये काम 1 घंटे के अंदर अंदर करना है विद कंप्लीट एक्यूरेसी, आप अपना पूरा का पूरा बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट कर सकते हैं टैली के अंदर, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपका पूरा का साल, पूरे साल का बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट हो जाएगा। और उसमें काफी सारे फिल्टर्स हमारी टूल्स में अवेलेबल हैं, जिससे आपकी एंट्रीज जहां जहां आप चाहते हैं वहां वहां चली जाए। तो अगर आप इस इंपोर्ट टूल को लेना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप अपना काम चुटकियों में कर सकते हैं ऑटोमेशन के माध्यम। तो आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और इन ऑटोमेशन टूल्स का बेनिफिट आप ले सकते हैं। GST के अंदर अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन दोनों मिलेगा। ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ GST आपको कंप्लीट में आए। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, GST प्लेटफॉर्म के नाम से वहाँ भी अवेलेबल है। अगर आपको रेगुलर ऐसी वीडियोस रिक्वायर्ड है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन बेल के साथ, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।